of might and might not. जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में शायद आए, शायद, और लास्ट में सकता है, सकते हैं, सकती है आए, तो हम माइट का यूज करेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा माइट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ठीक है, तब हम यूज करेंगे माइट का. ठीक है, सबसे अगर माइट नॉट होगा तो सब्जेक्ट माइट नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. ये माइट और माइट नॉट का यूज है. ठीक है, स्टार्टिंग में शायद आएगा, लास्ट में सकता है, सकते हैं, सकती है आएगा. जैसे कि शायद आज बारिश आ सकती है, या बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है ना, शायद आज बारिश आ सकती है. इट माइट रेन टुडे. इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश आ सकती है. अगर कहें शायद आज बारिश नहीं आ सकती है, तो इट माइट नॉट आ जाएगा. रेन टुडे, शायद आज बारिश आ सकती है. इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश नहीं आ सकती है. इट माइट नॉट रेन टुडे, शायद हम जा सकते हैं. हम, वी माइट गो, शायद हम जा सकते हैं. माइट आएगा ना, वी सब्जेक्ट माइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो. वी माइट गो, शायद हम जा सकते हैं. वो शायद घर जा सकती है, या फिर ये भी हो सकता है, शायद वो घर जा सकती है. ठीक है ना, तो शी सकती है, शी माइट गो होम. अगर कहें वो शायद वो घर नहीं जा सकती है, तो शी माइट नॉट गो होम. शायद मम्मी मुझसे सवाल पूछ सकती है, शायद मम्मी मुझसे सवाल पूछ सकती है. मॉम माइट आस्क क्वेश्चन टू मी. ठीक है, शायद मम्मी मुझसे सवाल पूछ सकती है. शायद मम्मी मुझसे सवाल नहीं पूछ सकती, मॉम माइट नॉट आस्क क्वेश्चन टू मी. माइट नॉट आ जाएगा नेगेटिव में, नहीं पूछ सकती. शायद हम घूमने जा सकते हैं, शायद हम घूमने जा सकते हैं, तो क्या आएगा, वी माइट गो फॉर पिकनिक. शायद हम घूमने नहीं जा सकते, वी माइट नॉट गो फॉर पिकनिक. ठीक है, ये है यूज ऑफ माइट एंड माइट नॉट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू.